जंगल में मंगल सुना है ना, लेकिन जंगल में ऑफिस सुना है क्या? आज दिखा देता हूं, मजा आएगा बहुत ही। कहते हैं साइंस में भी, और हम लोग भी ना, यू कैन रिलेट टू योरसेल्फ, अगर एक नेचुरल ग्रीनरी हो आपके ऑफिस में, ऑफिस के इर्द गिर्द अराउंड योर ऑफिस, तो जनरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन लेवल्स इंक्रीज होता है, हम लोग शांत रहते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ता है। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कह रहा है, ठीक है, मानना तो पड़ेगा बस। एंड आज हम देखेंगे योग स्टूडियो, योग स्टूडियो में हम लोग जाएंगे, और ब्यूटीफुल ऑफिस है, ब्यूटीफुल नेचुरल ऑफिस है, वो हम देखने वाले हैं। सो चलो योग स्टूडियो में जाते हैं। अरे बाहर से ही देखो ना, जंगल जंगल दिखता है, ऑसम, मजा आएगा। वाओ कितना शांत है ना, माय गॉड, जंगल जैसा है। यार ऑफिस हो तो ऐसा है, पूरा आपका पूरा प्लांट्स सब जगह हो, और बॉस एक पॉन्ड भी है। आज के वीडियो में ये पॉन्ड ही करते हैं, मैंने एक्चुअली कहा कि यू नो थोड़ा बेटर करते हैं, मेरे को अगर पॉन्ड हो या एक्वेरियम हो, प्लांट्स होना जरूरी है, तो इसमें थोड़ा प्लांट्स डालेंगे। देखेंगे कि अगर आपके ऑफिस में या घर में, बालकनी में, कहीं पे भी एक ये सीमेंट का पॉन्ड बनाना है तो किन चीजों का ध्यान रखना है। मजेदार वीडियो होगा ना, मजेदार तो होगा बॉस, एंड मजेदार जब होता है वीडियो, आपको क्या करना है, लाइक बजाना है और शेयर और सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना, मजा लेना है, एंड मुझे भी मजा आएगा। ओके, योग स्टूडियो ऐसे जगह है जहां पे आप अपना एड शूट्स कर सकते हैं, प्रोडक्ट शूट्स कर सकते हैं। हमारे जितने भी लाइफ आयु के प्रोडक्ट्स हैं ना, योग स्टूडियो वाले ही शूट करते हैं, ब्यूटीफुल है, प्लस एड्स भी शूट करते हैं। बस सेलिब्रिटी लोग आते हैं यहाँ पे, मस्त है। क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? ये जितने भी फिश फूड का शॉट्स किया है ना योग स्टूडियो वालों ने, शॉट तो हो गया, उसके बाद शिफू सब खा गया, ठीक है, शिफू सब खा गया। ऑफिस ना, इट शुड पोर्ट्रे व्हाट यू आर, हु यू आर, मतलब हिंदी में कैसे बोलते हैं, आपका मन या आपका जो एटीट्यूड है वो आपका ऑफिस या काम करने का जगह पोर्ट्रे करना चाहिए। हाँ, अगर हमारे ऑफिस में साइकिल होता तो शायद मैं भी थोड़ा पतला होता, नहीं, बट ऑफिस ऐसे ही होना चाहिए अपने हिसाब से, तब जाके काम में मजा आता है। चलो चलो चलो, अभी पॉइंट देखते हैं। योग स्टूडियो कल्पना और सैम ये लोग चलाते हैं, ठीक है, ये मेरी छोटी बहन है, ठीक है, ये जीजा बोलते हैं कि साला सीमेंट पॉन्ड जब हम लेके आते हैं अपने बालकनी के लिए या ऐसे ऑफिस के लिए, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है जिनको आप यू नो नजरअंदाज नहीं कर सकते, ओके, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज, सीमेंट जो है उसमें कुछ केमिकल्स है, ठीक है, एंड वो केमिकल्स निकलना चाहिए फिश डालने से पहले, बिकॉज अगर आप पानी डालते हो और फिश डालते हो, वो केमिकल्स लीच होता है, ओके, सीमेंट का पॉन्ड है ना, तो वो केमिकल्स पानी में आएगा, फिश मर जाएगा, ओके, सो ऑलवेज जो सीमेंट का पॉन्ड है उसको क्योर करो। क्योर करना बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत सिंपल है, पानी भर दो और एक दो मुट्ठी नमक डाल देना, कोई भी नमक, रॉक सॉल्ट हो तो बेटर, लेकिन घर का नमक अगर हो तो भी बेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल दो और एक हफ्ता 10 दिन छोड़ो, एंड रोज यू नो वो पानी निकाल के नया पानी डालो। नया पानी डालते टाइम थोड़ा और नमक डालना है, डाल सकते हो, नमक वाला पानी जाके जाड़ में मत डालना, ओके, जाड़ मर जाएंगे, अच्छा नहीं है, ये पानी वेस्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। एक 15 दिन बाद फिर से वो नमक वगैरह वॉश करके पानी भर के, अगर एक टेस्ट किट हो ना तो बेस्ट है,
तो पता चलता है कि पानी में यू नो पीएच क्या है वगैरह वगैरह, एंड दैट्स ऑलवेज अ नाइस थिंग. ओके, एंड ईजिएस्ट फिश टू कीप मॉलीज एंड प्लाटीज. मॉलीज एंड प्लाटीज आप साथ में भी रख सकते हो, अलग भी रख सकते हो. जब आप सीमेंट पॉन्ड बनाते हो उसके लिए रखने का जगह कैसा होना चाहिए? ऐसे होना चाहिए, डायरेक्ट धूप में नहीं. देखो यहाँ पे धूप है, यहाँ पे धूप नहीं है. हाँ, दिन में थोड़ी देर के लिए धूप आता होगा, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट धूप में रखते हो ना तो एल्गे जमेगा. इसमें भी एल्गे आएगा, ये साइड में देखो, ये साइड में हल्का सा एल्गे है, बट इतना नहीं है कि पॉन्ड पूरा भर जाए. वो तो होने वाला है और होना भी चाहिए. एल्गे अच्छा है बिकॉज एल्गे फिश खाएंगे, उनके लिए खुराक बनता है. एल्गे के अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो फिश खाएंगे, उनको खुराक बनता है. नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन, खाना अच्छा खाना. बट अगर आप पूरा धूप में रखोगे तो इतना ज़्यादा एल्गे भर जाएगा और फिश के लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगा. भाई ऑक्सीजन से याद आया, एक छोटा सा एयर पंप या इसके तरह, गुड, एक स्पॉन्ज फिल्टर रख लो. ठीक है, आप अगर अंदर रख लो तो हल्का सा फिल्ट्रेशन भी होता रहेगा और ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा. ठीक है, सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. हाँ, ये स्पॉन्ज फिल्टर रख के आप अगर पाइप एक्सटेंड करते हो तो वो फाउंटेन भी बन सकता है. एक छोटा सा फाउंटेन कैसे बनाते हैं, हो सकता है अगला वीडियो बनाएंगे. ओके, एक पॉन्ड में छोटा सा फाउंटेन बनाएंगे, डीआईवाई फाउंटेन बनाएंगे, मजा लेंगे. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं दिखाऊंगा जरूर. ओके, अगर मैंने नहीं दिखाया तो कमेंट्स में लिख दो, याद दिला दो, मैं दिखा दूंगा. ओके, नाउ इसमें हमारे पास मॉलीज है और प्लाटीज है. नाउ यहां पे मॉलीज है और प्लाटीज है. ठीक है, ये शायद सनसेट प्लाटी होगा, ये तो मॉली ही है. ये वाले प्लाटीज है, ये देखो, ये प्लाटीज है, सनसेट प्लाटीज. वाह, कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल, सी, अमेजिंग लुकिंग प्लाटीज. इस पॉन्ड में मेरे हिसाब से 40 के ऊपर मछली है, कुछ बेबीज भी हैं. हो सकता है प्लाटीज एक 20-25 होंगे, एक्चुअली नहीं, एक 20 होंगे, मॉलीज 10 होंगे, और इनका क्रॉस ब्रीड एक 8-10 तो ज़रूर है, मुझे तो वही लगता है. एंड छोटे छोटे बेबीज है, कितना क्यूट है, बहुत क्यूट है. नाउ प्लाटीज मॉलीज आप रखोगे ना तो बच्चे तो होंगे ही, ईजिली ब्रीड करते हैं, सो टेंशन नहीं है. अरे एक बात तो मैंने बोला ही नहीं, ये पॉन्ड जो है ना कुछ 2.5 फीट का है एंड शायद एक 1 फीट के आसपास, 1.5 फीट का डेप्थ होगा, बट समथिंग मिसिंग यार, समथिंग मिसिंग, प्लांट्स मिसिंग है बॉस, क्या बोल रहे हो. चलो प्लांट्स डालते हैं, एंड प्लांट्स भी ना इन्हीं के जंगल से निकालेंगे. ओके, प्लांट भी इन्हीं के जंगल से निकालेंगे. ठीक है, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. ये हमारे शिफू भाई जो है ना, शिफू कैमरा में देख, ये देख कैमरा में देख, ये शिफू भाई है ना, ये इन इस पॉन्ड का रखवाली करते हैं, इन फिश का रखवाली करते हैं. ठीक है, एंड इसमें पानी भी पीते हैं. नाउ ये प्रॉब्लम है क्या, अभी शिफू है, डॉगी है, ये पॉन्ड में पानी पी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, वो पानी कम हो रहा है, बदल भी सकता है, कोई इशू नहीं है. ठीक है, कुदरती है, कोई इशू नहीं है. एंड इस पॉइंट का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करना है ये पॉइंट को मेंटेन करने के लिए, थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले प्लांट्स डालते हैं. नाउ यहाँ पे हमारे पास फाइलोडेंड्रॉन स्पीशीज है, ये बहुत सुंदर प्लांट है. ब्यूटी इस प्लांट के बारे में अगर बताऊं तो ये सेमी एक्वाटिक है, ये पानी में भी रह सकता है और पानी के बाहर मतलब मिट्टी में भी रह सकता है, एंड दोनों सिचुएशन में बहुत सुंदर ग्रो होगा. तो यहाँ पे हमने एक ईंट का टुकड़ा बांधा है, कोई भी पत्थर बांध लो. ठीक है, अच्छे से बांध लो,
आप धागा यूज़ कर सकते हो या केबल टाई यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसको हम यहाँ पे रखेंगे। फैलोडेंड्रॉन का अच्छी बात क्या है, थोड़ा छाँव में भी वो अच्छा ग्रो हो सकता है, ठीक है। इंडोर प्लांट इसलिए कहते हैं इसको, बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है, बहुत जल्दी ग्रो होता है, फटाफट रूट्स आएगा एंड ये मस्त लीव्स भी आएगा। नो, अंदर रूट्स आने से एक एडवांटेज है, जितने भी ये बेबीज है ना, फिश फ्राई जो है, जो बच्चे बनते हैं, छोटे छोटे बच्चे बनते हैं, वो जाके अंदर रूट में लीव के नीचे छुप जाते हैं एंड बड़े मछली उनको खा नहीं सकते। नाउ दैट इज अ ह्यूज एडवांटेज एक प्लांट होने से। नाउ यहाँ पे मैं एक और वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे फाइलोडेंड्रॉन सेम स्पीशीज है एंड बहुत ब्यूटिफुली ग्रो हुआ है, उसमें भी गपीज वगैरह है। हमारे जो होममेड फिश फूड वाला वीडियो में हमने यहाँ पे खिलाया भी था, दिखाया भी था, आपको याद होगा आपको, ठीक है। तो बहुत सुंदर ग्रो होता है एंड अभी एक नेचुरल फीलिंग आ रहा है ना, बहुत सुंदर हो रहा है, मज़ा आ रहा है। नाउ दैट्स द इंटरेस्टिंग पॉइंट, पॉन्ड को खाली मत रखो, कुछ तो नेचुरल लेके आओ। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल सा आपका मनी प्लांट बहुत सुंदर काम आएगा, पीस लिली फ्लावर के साथ आएगा, ठीक है। अच्छे से बांधो, ठीक है, एंड अंदर रख दो, मज़ा आएगा, ओके। ये जितने भी लीव्स अभी नीचे हैं ना, ये एक दो दिन में पूरा ऊपर आ जाएंगे धूप की तरफ, वो नेचुरल है, प्लांट्स का वो आदत भी है, ओके। सो नथिंग टू वरी, ओके। हाँ, आप प्लांट्स के लिए थोड़ा फर्टिलाइज़र अगर यूज़ करना चाहो तो हफ्ते में या 10 दिन में एक बार, ओके। अगर ये पॉन्ड को आपको मेंटेनेंस करना है तो महीने में एक बार, ओके। नाउ एक बात मुझे बोलना था ना, इम्पॉर्टेंट वाला बात, ये पॉन्ड का मेंटेनेंस का बेस्ट ट्रिक क्या है मालूम है, ठीक है। यहाँ पे जो पानी है रोज़ यहाँ से निकाल के आप जाड़ों में डालिए, प्लांट्स में डालिए, पॉट में डालिए, बिकॉज इसमें मछली है एंड मछली करता है पूप और पी, जो फॉस्फेट है, साइंस में नहीं जाएंगे बट खाद है प्लांट्स के लिए। तो यहाँ से अगर आप 30-40% पानी रोज़ निकाल के पॉट में डालते हैं, मग में या कैसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे नया पानी डालते हैं, नया पानी क्लोरीन रहित पानी, ठीक है, अगर आप डालते हो तो ये मस्त मेंटेन रहेगा, रोज़ का रोज़ वाटर चेंज, फिश भी हेल्थी, ठीक है। एंड नीचे से पानी निकालना, बिकॉज सीमेंट पॉट है ना, कचरा नीचे जम जाता है, नीचे से निकालो कचरा बाहर जाने का, मस्त आइडिया है एंड आपका पॉन्ड मस्त रहेगा। हाँ, 2-3 महीने में एक बार आपको अंदर से थोड़ा वॉश करना है, वो एल्गे निकालना है, वो आपका मर्जी है, बट मैं बोलता हूँ कि रहने दो एल्गे, बिकॉज मछली खाते रहेंगे कुछ ना कुछ, दिन में एक बार खाना डाले तो बस है, इससे ज़्यादा डालने का ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा डाल दो, लाइफ आयु का डाल दो, अच्छा क्वालिटी का खाना है बस, ओके। सो मैं आशा करता हूँ कि आपने दो चीज़ आज बहुत मज़ा लिया, एक ऑफिस होना चाहिए जंगल जैसा अपने हिसाब से, और दूसरा एक छोटा सा सीमेंट पॉन्ड फिश के साथ कैसे रखते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं। दो मज़ेदार बात आपने आई एम श्योर यू नो देखा तो है ही, बहुत कुछ समझा, जाना, मज़ा लिया एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से आज कैमरामैन समीर मोहन एंड योग स्टूडियो का पूरा टीम के तरफ से भी आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा केयर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्द मिलेंगे, इंटरेस्टिंग वीडियोस तो बनते रहेंगे, ठीक है। एंड मुझे थोड़ा मज़ा चाहिए बॉस, तो लाइक बजाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मज़ा करो, एंजॉय, बाय बाय। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, मच्छी हो या शिफू हो, शिफू ये शिफू भाई है ना, ये इन इस पॉन्ड का रखवाली करते हैं, इन फिश का रखवाली करते हैं, ठीक है, एंड इसमें पानी भी पीते हैं।